बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाब दो कनस्तिन मेरे पाकिस्तानियों मैं आज अपनी सारी कॉम को समझाना चाहता हूँ कि क्यों हम इस इस जगह पे पहुँच गए कि हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना चाहते हैं इसकी क्या वजह है देखिए सारी दुनिया में कौमें किसी कानून के तहत चलती हैं कानून क्या होता है वो आइन फैसला करता है कि क्या कानून में जायज है और का, कौन सी चीज़ ना जायज़ है जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है इस मुल्क के आइन और कानून की धजियाँ उड़ाई गई हैं हालात ये हैं कि अदालत अदालतों की भी बातें उनके अहकाम ना पुलिस सुनती है ना ये रियासत सुनती है मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अभी हाल ही में जब ये इम्पोटिड हुकूमत भाग रही थी इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से तो अदालत ने कहा कि फौरी तौर पर डेट दो बल्कि उन्होंने तो कहा कि 48 घंटे में करवाओ अभी तक कोई महीना होने लगा तकरीबन अभी तक इलेक्शन नहीं हुए उसके अलावा जिस तरह फंडामेंटल राइट्स जो बुनियादी हकूक़ जो हमारा आइन हमें हमारी हमारे बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करता है हालात ये हैं कि लोगों को उठाया जाता है कितने लोगों को सोशल मीडिया के लोगों को उठाया गया उनको तशद किया गया उनके ऊपर सिर्फ इसलिए कि उनकी कोई उनकी कोई ट्वीट थी उसके ऊपर उठाया गया तशद किया गया अभी तक कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिस तरह का तशद किया गया अभी तक उनका जहनी तोजुन ठीक नहीं हुआ आज़म स्वाति कौन सा आइन कौन सा कानून इजाजत देता है कि एक ट्वीट के ऊपर नंगा करके उसके ऊपर तशद किया जाए और फिर जब वो फिर से उसको जेल में डाला जाता है और फिर उसको कोई तीस उसके ऊपर एफ आई आर कोई बलोचिस्तान सिंध में की जाती है शेख रशीद आइन उसको जम, आ, अदालत उसको जमानत देती है उसके बावजूद उसको उठा के ले जाते हैं और और उसके ऊपर केसेस सिंध और बलोचिस्तान में कर देते हैं फौद चौधरी अदालत चार दफा कहती है आई जी को कि पेश करो फौज चौधरी को अदालत में और वो उसको इस्लामाबाद ले जाते हैं तो ये तो मैं थोड़ी मिसालें दे रहा हूँ जो शबाज गिल से हुआ कस्टोडियल टॉर्चर तशद ये पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है तशद भी हुआ और उसको कोई रिलीफ नहीं मिली और फिर ड्राया धमकाया गया और और केसेस किए गए परमन एतजाज हमारा था पच्चीस मई को उसके ऊपर जो जुल्म किया गया कौन सा कानून और आइन एक जमूरीत में इजाजत देता है कि पुरान त के ऊपर तशद करो इन्होंने तीन तीन धरने हमारे केस दिए और लॉन्ग मार्चेस की किसके ऊपर हमने कोई सख्ती की तो मैं तो ये छोटी सी थोड़ी सी मिसालें दे रहा हूँ आपको कि हमारा सारा जो हमारे आइन और कानून के ऊपर जो अतमाद है हम इस कौम का वो उठता जा रहा है और बल्कि हमें ये खौफ है कि जो अब आइन जिस जो जमूरीत बेस होती है जिस आइन के ऊपर और जमहूरीत के अंदर वाज तौर पर है कि नवे दिन के अंदर एलेक्शंस करवाने पड़ेंगे हमने अपनी दो हुकूमतें पंजाब और सिंध में क्यों गिरें डिज़ोल्व की, ग्राएँ क्या डिज़ोल्व की, खुद कोई ऐसे नहीं करता हमने सिर्फ आइन को सामने रख के कं कि हमें जब पता था कि नवे दिन के अलावा आप आगे नहीं जा सकते तो हमने उसको सामने रख के एलेक्शनस की तरफ़ गए इसलिए कि मुल्क एक बहुत बड़े बुरहान का शिकार है एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है और जब तक इस मुल्क में सियासी इस्तकाम नहीं आता हमारी माशियत नहीं ठीक होने लगी तो हमने कुर्बानियाँ दी दो गवर्नमेंट्स की जो तकरीबन छियासठ फीसद पाकिस्तान है सिर्फ इसलिए कि आइन नबे दिन में इलेक्शन करवाता है अभी तक कितने दिन हो गए हैं आ, बीस पच्चीस दिन हो गए हैं अभी तक कोई डेट नहीं मिली दोनों इलेक्शन कमीशन और ये जो दो हुकूमतें जो दो गवर्नर्स हैं उन्होंने डेट्स नहीं अभी तक दी और ये सीधी सीधी पाकिस्तान के आइन की वायलेशन है और अगर ये नबे दिन से आगे जाते हैं तो आइन बड़ा साफ़ है इसमें कि आर्टिकल सिक्स लगेगा ये सारी कॉम अब देख रही है पाकिस्तान की अदालतों की तरफ और मैं ये वाजह करना चाहता हूँ ये वो पाकिस्तान में वक्त आ गया जो जस्टिस मुनीर मोमेंट हम कहते हैं एक दफ़ा डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी के तहत हमारी जो इस कॉम का डाउन स्लाइड शुरू हुआ है जो निचला सफ़र शुरू हुआ है वो वो जो फ़ैसला था कि डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी के, के तहत आइन को पीछे हटा के हमने ताकत के साथ हमारी डालते गई तो आज भी वही वक्त है सारा पाकिस्तान देख रहा है टाइम बदल चुका है अगर ये हमने देखा कि इससे आगे जाते हैं तो हमने ये प्लान किया हुआ है कि हमने अपने आइन अपने मुल्क के कानून के रूल ऑफ लॉ के लिए इंसाफ के लिए हमने ये जेल भरो तहरीक का फ़ैसला किया क्योंकि हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि ये जो आ, वो लोग जिनकी ऊपर करप्शन के केसेस इंटरनेशनल इंकशाफ होता है पैनामा का जिसमें पता चलता है कि मरियम नवाज़ चार महंगे तरीन लंदन की अपार्टमेंट्स जो कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में उस पेनमा के इनकशाफ में पता चलता है कि असल मालिका उनकी मरियम नवाज़ थी उसके बाद सारा ट्रायल होता है सज़ा होती है तो उनके ऊपर तो कोई ऐसा तशद नहीं हुआ उनको तो जेल में रॉयल्टीज़ की तरह रखा गया उनके जरा देखें जेल में कैसे जा रहे थे तो यहाँ ट्वीट्स के ऊपर तशद किया गया तो इसलिए दो रास्ते हमारे सामने एक रास्ता ये है कि हम तोड़ फोड़ करें इंतजार फैलेगा मुल्क में सड़कें बंद करें पथराव करें पहिया जाम स्ट्राइक करें तो मुल्क के तो आगे हालात वो हैं पाकिस्तान की तारीख में मैशत इधर तक नीचे नहीं पहुंची जो इन्होंने पहुँचाई है और ये हम सबको पता था होना ही है और हमने जो उस वक़्त इनके हैंडलर्स थे उनको वाजह करके बताया कि अगर आपने साजिश करके हुकूमत कराई गई इनसे नहीं संभाली जाएगी और नहीं संभाली गई तो आज कभी भी इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आया जो आज पाकिस्तान में है कभी आम लोगों की ज़िंदगी में इस तरह की महंगाई नहीं आई जो आज आई है जो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है उब एक तरफ महंगाई बढ़ रही है बेरोज़गारी तो मुल्क के माशी हालात तो बहुत बुरे हैं तो हम इसलिए उस उसको सामने रख के और छब्बीस साल की स्ट्रगल में कभी भी हमने इंतजार की पॉलिटिक्स नहीं की लिहाजा ये पुराबन तरीके का एहताज है जेल भरो तहरीक मैं आज अपने सारे कारकुनों को बल्कि मैं तो पाकिस्तानी अवाम को भी ये कहता हूँ कि ये इस वक्त आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं आप अपने मुल्क के लिए जहाद लड़ रहे हैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं मैं आज आप सबको कहूँगा कि मेरे अपने कारकुनों को कि जो हमारे ज़िली जिल, सदर हैं डिस्ट्रिक प्रजेंट्स जो हैं उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन शुरू करें कि जिन जिन्होंने हम पहले हर पाकिस्तान के शहर में हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे तो पहले मैं चाहता हूँ कि वॉल्टियर्स अपनी रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद मैं फिर आपको डेट दूँगा किस दिन हमने जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना है और इसकी चंद दिनों के अंदर होगी और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आप अपनी आप जो रज़ाकार हैं वो सामने आए और इन शे समझता हूँ कि ये जो हमारी तहरीक है इससे हम वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं जो पाकिस्तान को एक हकीकी आज़ादी भी देगा और हकीकी आज़ादी का मतलब हकीकी जमूरीत वो भी देगा और वो इन वही एक पाकिस्तान को एक वो जमहूरीत जधर रूल ऑफ लॉ है जधर कानून की हुक्मरानी है वही पाकिस्तान को इस दल दल से निकालेगा शुक्रिया